सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो करने वाला गोवा एक पहला राज्य है, इसलिए मुझे इसका अभिमान है और गर्व है कि गोवा राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे यानी इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये बात छेड़ी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरह से होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इट इज़ अप टू द सेंटर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कब से लागू किया जाए, ये तो सेंटर गवर्नमेंट की बात है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में खास करके हम जो बात करते हैं जैसे कंपलसरी बर्थ रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी डेथ रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन, इससे गोवा में आज तक यानी बर्थ डेथ मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो रहे हैं। बीइंग अ माइनॉरिटी होने के बाद भी किसी ने इसके ऊपर कभी बात नहीं छेड़ी, किसी ने किसी के ऊपर कभी यानी किसी को तकलीफ नहीं रही। मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एन बिग बूस्ट फॉर द वुमन एम्पावरमेंट, और वुमन एम्पावरमेंट के लिए और जेंडर इक्विलिटी के लिए यूसीसी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी आजकल बहुत राजनीतिक पार्टी, खास करके कांग्रेस समाजवादी पार्टी, इसके ऊपर राजनीति करते हैं। जो राजनीति करने वाले पक्ष मुझे लगता है कि वो जेंडर इक्विलिटी नहीं चाहते हैं, वुमन एम्पावरमेंट नहीं चाहते हैं, इसीलिए इसके ऊपर राजनीति करते हैं।